नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त हम मौजूद हैं हसनपुरा नगर पंचायत के खूबसूरत फेमस ब्यूटी पार्लर निहारिका ब्यूटी पार्लर में। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ब्यूटिशियन है निहारिका ब्यूटी पार्लर के, पूनम जायसवाल जी, जो कि इनके संचालनकर्ता में ये ब्यूटी पार्लर इनके देखरेख में चलता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरे हसनपुरा प्रखंड की बात करें तो बहुत खास है ये ब्यूटी पार्लर। यहाँ पे लड़कियाँ ट्रेनिंग भी लेती हैं, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से जितनी ट्रेनिंग लेने वाली लड़कियाँ हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ का जो चीज़ें हैं क्या खास है हसनपुरा नगर पंचायत में ये निहारिका ब्यूटी पार्लर में, हम जानेंगे पूनम जायसवाल से, जो कि कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी इनका ये कारवां जारी है। और इनसे जानेंगे कि इतने कम उम्र में पूनम जायसवाल जो हैं किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट की यहाँ पर और निहारिका ब्यूटी पार्लर का संचालन किया और किस तरीके से आगे जाने का ये प्लान करती हैं, क्या क्या करती हैं ट्रेनिंग देने वालों के साथ, किस तरीके से ट्रेनिंग देती हैं और जो ब्यूटी पार्लर से जुड़ा हुआ जो भी सवाल है हम इनसे करके जानेंगे। आइए मिलकर बातचीत करते हैं। पूनम जायसवाल के फैमिली भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी मम्मी भी हैं, इनसे मैं बातचीत करूँगा। आइए मिलकर बातचीत करते हैं। आपसे मैं जानूँगा कि जो निहारिका ब्यूटी पार्लर है क्यों खास है हसनपुरा में? क्योंकि यहाँ पे और जगह के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग ट्रेनिंग दी जाता है, यहाँ लड़कियों को हर स्किल सिखाया जाता है। जैसे अगर उनका पर्सनालिटी, उनको कैसे अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेनिंग दिया जाता है, थ्रेडिंग, हेयर कट, हर चीज़ का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है, मेकअप, 3D HD एयरब्रश, हर तरह का मेकअप यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे लड़की आकर खुद को, अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं, किसी सेक्टर में वो जा सकती हैं। अगर वो चाहती हैं कि वो एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बने या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स का मेकअप करना चाहती हैं, तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं। वो सब मैं इसके लिए यहाँ पे देती हूँ लड़कियों को। अच्छा, वो सारी ट्रेनिंग इस छोटे से शहर में दी जाती है आपके द्वारा। इतनी कम उम्र में ये कैसे आपने इस चीज़ों को मैनेज किया, किस तरीके से आपका क्या बचपन से शौक था है मेकअप आर्टिस्ट बनने का, ब्यूटिशियन बनने का, या फिर आगे चल के किसी से इंस्पायर हुई? नहीं, ये मेरा बचपन का ड्रीम था कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनूँ। ये अपने एरिया में लोगों को ये नहीं पता था कि मेकअप क्या होता है, कैसे फेशियल होता है, कुछ भी लोग यहाँ पे दे देता था और वो लोग कर लेते थे, उनको लगता था कि यही बेस्ट है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं यही चाहती थी कि यहाँ के लोग जाने, यहाँ के लोग जागरूक हो इस फील्ड में, अपने आप को इम्प्रूव करें। वो कहीं जाते थे इंसल्ट फील होता था, उनको पता ही नहीं रहता था कि क्या होता है, मेकअप कैसे होता है वहाँ उनको, क्योंकि ये बिहार है ना, यहाँ पे हर जगह लोग उनकी बुराई करते हैं बिहारी को। तो हम चाहते थे ना कि यहाँ से जो भी निकले ना बढ़िया तरीका से निकले, जो कि हर सेक्टर, मतलब कहीं कहीं हर लड़कियों की शादी हो तो अब यहाँ पे हर चीज़ वो सीखे, हर चीज़ को जाने, जैसे पंजाबी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, बंगाली मेकअप, हर तरह का मैं ट्रेनिंग देती हूँ लड़कियों को। ये ड्रेसिंग सेंस कैसे होता है, आपको कैसे बात करना है, कैसे उठना बैठना है, हर चीज़ का मैं ट्रेनिंग देती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल से लेकर हर चीज़ का मैं ट्रेनिंग देती हूँ। क्या मतलब ख़ास यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ब्राइडल होते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें होती है आपके पास? शादियाँ बहुत हैं, अमीर गरीब घराने में भी शादियाँ होती हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आप लोग? देखिए, ये तो ठीक आपने कहा कि हाँ, गरीब लोग जो हैं उनकी भी घर के, उनकी भी इच्छा होती है कि मैं भी ब्राइडल, मैं भी अच्छे पार्लर में रेडी हूँ, तो मैं उनके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। कि अगर कोई ऐसे हैं कि जो उनके गरीब हैं और वो लोग ऐसे मेकअप कराना चाहते हैं, उनका मन है ऐसा कि नहीं मुझे ब्राइडल रेडी होना है पार्लर से ही, तो उनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, इकोनॉमिकल बहुत सारे चीज़ों फेस करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए हम लोग बहुत सारे छूट देते हैं। जैसे कि वो ब्राइडल वो बड़े घर से हो या छोटे घर से, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ हमारी कस्टमर के रूप में आती है। अगर कस्टमर हम एक भगवान के रूप में मानते हैं कि अब इस वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि कस्टमर जो भी आती हैं उनको हम अच्छे से, बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करें, उन्हें हाँ उनकी कोई चीज़ें कमी हो ज़्यादा हो, तो हमें ये नहीं देखना है कि मुझे पैसे से नहीं है कि पैसा, हाँ पैसे सबसे कमाना है, पैसे ये नहीं है, पैसे कमाने से मतलब नहीं है, हमें उन लोगों को उनको अच्छी चीज़ें देना है, उनको ये समझ हो जाए, उनको देखने से मिले, उनको जानने से मिले, तो मुझे अपना बेस्ट देना है, ये नहीं है कि हाँ आपने जो नीड है लोगों को वो आप प्रोवाइड करने का प्रयास। बहुत अच्छा, क्या नाम हो आपका? जी मेरा नाम पूजा जायसवाल है। पूजा जायसवाल और पूनम जायसवाल दोनों आप सिस्टर मिलकर ये चीजें करती हैं, मतलब चलाती हैं इसको? नहीं, चलाने का काम जावी मदद करती है अपने बहन, बस मैं इनका हेल्प करती हूँ थोड़े बजाय। और कैसा लग रहा है जिस तरीके से आपकी लड़की इतना मेहनत कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अंदर से बहुत खुश है ना, जब हमारे लड़की आगे बढ़ रही है ये सब कर रही है, फुल सपोर्ट रहता है, पूरा पूरा फुल सपोर्ट रहता है। जैसे पूनम जायसवाल जी ने बोला कि बॉडी लैंग्वेज भी सिखाया जाता है, आपको ड्रीम है इसमें आगे बढ़ने का, करियर बनाने का, क्या करना चाहेंगे इस ट्रेनिंग लेने के बाद? पार्लर चलाना चाहते हैं हम भी। पार्लर चलाना यहीं पे या फिर बड़े शहर में? नहीं, यहीं पर, बड़े शहर में। क्या नाम हुआ आपका? मनावती जायसवाल।
कितने दिनों का ट्रेनिंग होता है यहाँ पर, क्या क्या कोर्सेस है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं? मतलब 6 महीने का कोर्स होता है, लेकिन जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक छोड़ा नहीं जाता है। मतलब बहुत सारा कोर्स होता है, मतलब बाल काटना या मेकअप करना, फेशियल करना, कैसे बैठना है किसी के सामने, कोई अगर मतलब सामने खड़ा है उसके सामने कैसे बोलना है, अपने आप को मतलब किसी के सामने बिल्कुल कंफर्टेबल फील करना, सब कुछ सिखाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है